हेलो एंड वेलकम। और आज हम बात करेंगे एप्पल के नए ओवर ईयर हेडफोन्स एयरपॉड्स मैक्स के बारे में। तो एयरपॉड्स और एयरपॉड्स प्रो के बाद सीधा एयरपॉड्स मैक्स, प्रो मैक्स नहीं, सिर्फ मैक्स। तो अब बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात के बारे में, जो कि है इसकी प्राइस। अब यूएस में इसकी प्राइस है $549, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं $549, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में डायरेक्टली कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा ये 40,477 रुपीज अप्रॉक्स में। बट ड्यू टू जीएसटी और इम्पोर्ट ड्यूटीज जैसे काफी एक्सपेंसेस है, जिनके वजह से इसकी प्राइस बढ़कर हो गई है 59,900, जो कि अप्रॉक्स 60,000 है। अब काफी कॉस्टली लग तो रहा है, बट देन एप्पल ये पहला ऐसा कंपनी नहीं है जिसने इतने कॉस्टली हेडफोन्स बनाए हैं। ऐसे कई सारे हेडफोन्स है जो इससे भी ज्यादा कॉस्टली है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सेनाइजर के ये 800S हेडफोन्स, जिनकी प्राइस आपके सामने है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल भी है, दोनों की प्राइसेस ज्यादा है। तो इस 60,000 को इतना ज्यादा ओवरहाइप करने की जरूरत है नहीं कोई खास। तो अगर आप बात करें कि इस प्राइस पॉइंट में एप्पल क्या देता है, तो फीचर्स में चलते हैं। यहाँ पर पहला अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद ट्रांसपेरेंसी मोड। ऑफकोर्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो काफी सारे हेडफोन्स में, बट यहाँ पर ऑफकोर्स आपको एक ऑप्टिमाइज्ड और एनहेंस एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और जिन जिन को नहीं पता कि ट्रांसपेरेंसी मोड क्या है, तो ये ऐसा मोड है जहाँ पर आपको बाहर की आवाजें भी सुनाई देगी। दैट्स बिकॉज अगर आपका इंपॉर्टेंट जगह पर आपको कुछ सुनना है हेडफोन्स में, बट साथ साथ आपके सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट भी करना है नेचुरली, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत काम आता है। और स्पेशल ऑडियो की बात करें, तो ये आपके चारों तरफ आपके सुने जाने वाले ऑडियो का एक एटमोसफेयर क्रिएट कर देता है, जहाँ पर अगर आप हेड मूवमेंट्स भी करें तो ये ऑडियो के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू आर हेड, बल्कि ये एक 360 डिग्री एटमोसफेयर क्रिएट कर देता है आपके चारों तरफ। सराउंड साउंड का बेसिकली एक एनहांस वर्जन है ये। स्टनिंग डिजाइन विद एन एक्सेप्शनल फिट, ऑफकोर्स ये तो होना ही है, बिकॉज अगर आपने पहले हेडफोन्स कभी यूज किया या फिर एक हेडफोन से दूसरे हेडफोन को स्विच किया है, तो फिर इमेजेस से देख के पता चल जाता है कि यार ये हेडफोन्स हमें कंफर्टेबल होंगे या नहीं। और जस्ट बिकॉज मैंने दो हेडफोन स्विच किए हुए हैं, तो मुझे इसे देखकर काफी कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। इसके डिजाइन में भी काफी ऐसे सारी चीजें हैं जो कि इस हेडफोन्स को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डिजाइन पे आ ही गए हम, तो इसके बाद से बारे में बात कर लेते हैं। कैनोपी, इसके हेडफोन, इस हेडफोन के हेडबैंड को कैनोपी बुलाया जाता है, बिकॉज ये ब्रेदेबल नेट मेश से बना है, जो कि आपके सिर पे जितना भी पड़ने वाले प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली, जिससे काफी कम प्रेशर पड़ता है और लाइट वेट भी फील होता है। स्टेनलेस स्टील फ्रेम रैप्ड विद अ सॉफ्ट टू टच मटेरियल। तो ये बात करें इस पर्टिकुलर वाइट शेप वाले चीज की, जो कि इसका फ्रेम है स्टेनलेस स्टील से बना है, जो कि काफी हार्ड होने वाला और एक सॉफ्ट टू टच सिलिकॉन टाइप का मटेरियल ही होगा आई गेस, बट विद अ मैट फिनिश। टेलीस्कोपिंग आर्म्स, ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है इस हेडफोन्स का। यहाँ पर आप इस हेडफोन्स के लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप सिर छोटा है या लंबा है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफी सही प्रोडक्ट है, मतलब काफी सही पार्ट है इस प्रोडक्ट का। और द बेस्ट थिंग, इसका मिनिमलिस्टिक लुक इसे बाकी हेडफोन्स के कंपैरेटिवली काफी लग्जरियस और एक बिजनेस क्लास प्रोडक्ट बना देता है, जिसके कप्स, ईयर कप्स एनोडाइज्ड एल्युमिनियम से बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। दोनों ईयर कप्स के अंदर एक कस्टम डिजाइन मेश टेक्सटाइल है, जहाँ पर एल और आर दोनों साइड्स डेसिग्नेटेड है, जिसके ईयर कुशंस काफी सॉफ्ट होने वाले। ये नॉर्मल किसी आर्टिफिशियल लेदर से तो नहीं बना है, ऑफकोर्स काफी एक अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। और अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट की, जिससे आप इसके वॉल्यूम और ट्रैक्स वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम दिया गया है डिजिटल क्राउन। दिखने तो बस एक छोटा सा रोटेटिंग सा चीज है, बट देन इसमें काफी सारे फायदे हैं। क्वालिटी तो ऑफकोर्स A1 होगी और प्योर एल्युमिनियम से बना हुआ है। यहाँ पर आप इससे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक्स चेंज कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं किसी भी कॉल को, या फिर सीरी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। काफी यूजफुल पार्ट है ये। अब हम बात करेंगे इसके कलर्स की, तो ये हेडफोन हमें 5 कलर्स में अवेलेबल मिलता है, और माइंड इसमें से कोई भी कलर मोनोटोन नहीं है, यानी कोई भी एक कलर में नहीं है, ही हर कलर में एक मिक्स है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे दो दो कलर्स मिक्सड है हर जगह।
पहला जो कलर है इसे बोलते हैं हम सिल्वर, ऑफकोर्स आईओएस का स्पेशल है ये। यहाँ पर ये नीचे वाले ईयर कप सिल्वर के और ऊपर का हेडबैंड एक व्हाइट में अवेलेबल है। सेकंड जो कलर है हमारा यहाँ पर है स्पेस ग्रे, जहाँ पर नीचे का ऑफकोर्स वही सेम ईयर कप्स स्पेस ग्रे में है और ऊपर का हेडबैंड एक ब्लैक कलर ब्लैक मैट फिनिश में हमको मिलता है। थर्ड जो कलर है यहाँ पर हमारे पास है ब्लू, नीचे का काफी लाइट और एक मेटालिक टेक्सचर देता है, बल्कि ऊपर वाला जो है वो थोड़ा डार्कर और ऑफकोर्स रबराइज मटेरियल है। फोर्थ जो कलर है ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ऑफकोर्स इन पांचों कलर्स में से ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये इसका नाम दिया गया है पिंक, बट ये ऑफकोर्स किसी भी एंगल से पिंक नहीं लगता, उल्टा ये इसके ईयर कप जो है हल्का सा एक रोज गोल्ड सा कलर है और ऊपर का काफी एक ऑरेंजिश सा कलर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रीन, ऑफ कोर्स ये नए जितने भी आईफोन्स आए हैं, जितने नए आईफोन्स हैं उसके साथ ये ग्रीन कलर भी लॉन्च हुआ है, ये पर्टिकुलर टाइप का ग्रीन, वरना पहले ग्रीन था शायद। ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं, इसके अंदर हमें हर तरह का ऑडियो एनहेंस वे में मिलता है, जैसे आप वोकल्स की बात करो, बेस की बात करो, ट्रेबल की बात करो, हर चीज आपको काफी क्लैरिटी के साथ दी गई है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है, और इसके साथ आपको एक्सटर्नल साउंड जितने भी वो अनवांटेड साउंड्स है उसको कैंसिल कर देता है, दैट्स बिकॉज इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, ये पहले भी आप देख चुके हैं, नॉट अ बिग डील, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील हियर एवरी डिटेल। यहाँ पर वोकल्स को स्पेसिफाई किया गया है एक तरह से, ताकि हर तरह के गाने जब आप सुने जिसमें बेस हाई हो लो हो किसी भी तरह का गाना हो, वोकल्स आपको क्लियर सुनने को मिलते हैं विद एक्यूरेसी। डिस्टॉर्शनलेस प्लेबैक भी है इसमें, जहाँ पर ऑफकोर्स डिटेल्स दिए हुए, आई वोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। अब आते हैं इसके की टू परफॉर्मेंस, जो कि इसका चिपसेट, यहाँ पर एप्पल का खुद के डिजाइन के हुए चिपसेट H1 चिप, दोनों साइड्स में दोनों के सेपरेट चिपसेट्स हैं जो कि ऑडियो क्वालिटी को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, दोनों इंडिविजुअली और भी ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमें टोटल 8 माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 6 एक्सटर्नल है और 2 इंटरनल है, और 8 माइक्रोफोन्स काफी यूजफुल हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं ट्रांसपेरेंसी मोड और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के बारे में, आपको पढ़ना है तो पॉज करके देख लो। तो फाइनली यहाँ पर बताया गया है स्पेशल ऑडियो के बारे में, स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर सा क्रिएट कर देता है जो कि ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, आपको अगर पढ़ने हैं पूरे तो पॉज करके देख लो। एलैबोरेटली सिंपल, अब कनेक्शन के तो मैं पर्सनल एक फैन हूँ इसका, वन टैप सेटअप, ये आप चाहे तो एयरबॉड्स में भी देख सकते हैं, एयरपॉड्स प्रो में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ऑफकोर्स एयरपॉड्स मैक्स में भी देख सकते हैं। बट एक डिफरेंस है, ये छोटे से चार्जिंग केस में तो फिट होगा नहीं जैसे एयरपॉड्स और प्रो वर्जन इसके हो जाते हैं, तो उसके साथ यहाँ पर दिया गया है हमें एक केस, एक स्मार्ट केस जिसके अंदर ये हेडफोन्स जाते ही अल्ट्रा लो पावर स्टेट में चले जाते हैं, विच इज अ गुड थिंग। अब पावर वगैरह की बात कर ही रहे हैं तो बैटरी लाइफ के बारे में बता दूं, इसका बैटरी लाइफ अप टू 20 आवर्स देता है, विच इज क्वाइट डिसेंट एंड क्वाइट गुड। सी यहाँ पर लिखा हुआ लिखा गया, और अगर आपको इस हेडफोन्स का लॉन्च होने से पहले एक एआर एक्सपीरियंस लेना है, तो आपके पास अगर एक आईफोन या आईपैड है तो वहां से आप एक एआर एक्सपीरियंस इसका ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके लॉन्च डेट के बारे में बता दूं तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया है अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 15-12, दैट्स 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से ये हेडफोन्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब मुझे पता नहीं किसे खरीदना है किसे नहीं खरीदना है, कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है, मुझे सही में कोई आइडिया नहीं है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो देन जस्ट गो फॉर इट, एप्पल यूजर हो देन गो फॉर इट, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये प्रोडक्ट, एंड आगे देखते रहिए, वीडियोज आएंगे, कंपेरिजन आएंगे, हर तरह के वीडियोज मैं अपलोड करने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर दो। बाय।